नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शहरी। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस और शहर कांग्रेस कमेटी बुलंदशहर ने निवेशकों के डूब रही रकम को लेकर धरना प्रदर्शन करके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी बुलंदशहर मधुमिता जी को ज्ञापन दिया। ये गुंगी बहरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, आज गुर्जर जिंदाबाद, नीरज गुर्जर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये गुंगी भैरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंगी भैरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये गुंगी भैरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिवपाल सिंह ने की और संचालन आदर्श देव शर्मा ने किया। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने कहा कि सहारा पर्ल और कई कंपनियों में काफी लोगों ने अपनी कमाई की जमा पूंजी को निवेश किया था, मगर इन कंपनियों में काफी फर्जीवाड़ा है। कोई एक कंपनी ही फर्जी है, किसी कंपनी में डायरेक्टर फर्जी है और इन लोगों की निवेश की भी धनराशि को ये कंपनियां वापस नहीं कर रही हैं। शिवपाल सिंह ने बताया, सहारा कंपनी में 25 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़, पर्ल कंपनी में 1.25 करोड़ लोगों का 10,000 करोड़ फंसा हुआ है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं और काफी लोग आत्महत्या के कगार पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इन कंपनियों में इस उद्देश्य से निवेश की थी कि बेटियों की शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए ये राशि बढ़कर मिलेगी तो हम अपनी बेटियों की शादी और बच्चों के भविष्य में उस पैसे को लगा पाएंगे। जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मकसद है, किस बात को लेकर? प्रदेश के हालात अगर बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई भीड़ में, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। और उसी इंसानियत को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जो निवेशकों का उत्तर प्रदेश की कई कंपनियों पर पैसा डूबा हुआ है, जिन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई इस नियत से लगाई थी कि उनका इन्वेस्टमेंट किया हो पैसा कुछ बढ़कर मिलेगा, मगर दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में जिस तरीका से सरकार पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को जिस तरीका से संरक्षण दे रही है, उनकी अपनी ईमानदारी की कमाई उनकी खतरे में पड़ गई है। इसलिए प्रियंका गांधी जी ने उन निवेशकों का दर्द महसूस करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का आदेश भेजा कि उन भाइयों का, बहनों का पैसा उन कंपनियों से सरकार वापस दिलाने का काम करे। सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी निर्देश दे चुके हैं कि संपत्तियों को जब्त करके इन निवेशकों का पैसा वापस किया जाए, मगर सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार इन पूंजीपतियों से मिली हुई है। और सबसे बड़ी पराकाष्ठा ये है कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, अभी भी कई लोग आत्महत्या करने के कगार पर हैं। ये सरकार एक तरीका से इतना बड़ा अपराध कर रही है, इतना बड़ा पाप कर रही है कि किसी के बच्चों को भूखे मारने पर ये मजबूर कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर कि कंपनियों में दबा हुआ पैसा निवेशकों का वापस मिलना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे थे। मगर आज उनको बढ़ा हुआ पैसा तो दूर की बात, उनका अपना मूलधन ही वापस नहीं मिल रहा है, जो कि कोर्ट के भी आदेश कर चुकी है। आपको बता दें, कार्यक्रम में शिवपाल सिंह जिला अध्यक्ष महेश शास्त्री, शकील अहमद, नरेंद्र पंडित, गजल शर्मा, फैसल अमित चौधरी, नितेश भारद्वाज, रवि कुमार लोधी, नरेश कुमार शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, जो एक इंसान होता है, गरीब चाहे मजदूर वर्ग हो चाहे कोई भी हो, अपने पैसा को बहुत मेहनत से कमाता है, चाहे वो आप ही हो, ठीक है ना। और अगर आपकी मेहनत का एक रुपया भी कहीं जाता है तो उसका भी इंसान को दर्द होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो इनके मालिक हैं, इनको नहीं उनका दर्द समझ आ रहा है और ना ही चीज़ें सरकार को समझ आ रही हैं। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से भी और उन कंपनियों के मालिक से भी, उन लोगों के बारे में सोचो जो अपने बच्चों के पेट काट काट कर उनको पैसे देते हैं और उस पैसे को वो हजम करके बैठ जाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ भैया, गरीबों की और मजदूरों की और जो अपने पेट काट काट के पैसे दिए, उन लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है, धरना देती रहेगी और आवाज उठाती रहेगी, और हम हमेशा इन लोगों के साथ खड़े हैं।
सेलाब ब्यूटी जॉइंट। हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल, स्मूथिंग, रिमोल्डिंग, कैरेटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5,000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।